हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइडिया हो गया होगा आपको देख के कि आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में निविया क्रीम का रिव्यू। तो निविया जो ब्रांड है बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, इसमें आपको और भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और मैंने फिलहाल लिया है निविया ब्रांड का निविया क्रीम, जो कि 100 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है हमें इसे यूज करते हुए, और बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। इसे मैंने ऑनलाइन बाय किया है, ऑनलाइन में जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 310 रुपए इस पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैंने इसे 185 रुपए में बाय किया है। 3 इयर्स की सेल्फ लाइफ के साथ ये 200 ml क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस है। और इस क्रीम की सबसे बेस्ट बात ये है कि ये जो है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, तो इसका जो है टेक्सचर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आप देख रहे हो। तो ये जो क्रीम है ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ड्राई टाइप स्किन के साथ क्या होता है, उनकी जो स्किन है बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और उन्हें जो है मॉइस्चराइजर बार बार अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो है थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर, जिसकी वजह से ये जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा आपका। तो ड्राई स्किन वालों को बार बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये आपकी ड्राई स्किन को हील करता है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ठीक है ये मॉइस्चराइजर, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की जो स्किन होती है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल क्रिएट करती है, तो ऑयल स्किन वाले इसे यूज नहीं कर सकते। पर मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी कि ऑयल स्किन वाले भी जो है इसे यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके एक्स्ट्रा यूज भी बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से यूज करके इसके और भी बेनिफिट जो है उसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो निविया क्रीम है बहुत ही थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। आप इसे बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ये किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं करता है। मैन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन वाले जरूर पैच टेस्ट कर ले, उसके बाद ही इसे यूज करें। तो ये जो है आप एक मॉइस्चराइजर की तरह यूज करते होंगे, पर उसके अलावा इस क्रीम के और भी यूजेस हैं। तो इसे नाइट क्रीम की तरह यूज कर सकते हो, इसे आप हैंड क्रीम की तरह यूज कर सकते हो, इसे आप एक मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हो। आप अपने मेकअप के ऊपर इसको जो है थोड़ा सा अमाउंट लेकर अप्लाई कर ले, मसाज करें कुछ देर। मैंने लिपस्टिक लगाई है थोड़ी सी बस, लेकिन आप जो है फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी लगाए हो आपके फेस के ऊपर, तो ये जो है आपके पूरे मेकअप को जो है क्लीन कर देगी। आपको कुछ देर इस तरीके से मसाज करना है, और फिर इसको जो है वाइप अप कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है आपके मेकअप रिमूवर का भी काम करती है। फोर्थ, अगर आप घर में शेविंग वैक्सिंग करते हो आफ्टर उसके आपको मॉइस्चराइज करना होता है आपकी स्किन को, तो इससे जो है आप मॉइस्चराइज कर सकते हो आपके हैंड को, लेग्स को आफ्टर वैक्स एंड शेविंग। और मैन वुमेन दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर मैन शेविंग करते हैं आफ्टर शेविंग उनको मॉइस्चराइज करना चाहिए, और शेविंग के दौरान अगर आपके कट जाता है तो आप जो है कटे हुए हिस्से पे इसको अप्लाई कर लीजिए, ये हीलिंग कर देता है, आपके जख्म को ठीक करता है। इसे आप एक लिप बाम की तरह भी यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है। उसके अलावा आप जो है इसे हेयर सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, और ड्राई हेयर पे ही इसे अप्लाई कीजिएगा, वेट हेयर पे मत यूज कीजिएगा इसको। तो सिर्फ ड्राई हेयर को जो है आप सेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा देर इसको जो है बालों में ना छोड़े। आप इसे जो है अपनी कटी फटी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा फटी एड़ियों की बात नहीं करी, जैसे थोड़ी बहुत होती है कटी फटी और रफ सी होती है, उन एड़ियों को हील करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, और आप क्या करें कि एक विटामिन ई कैप्सूल ले और थोड़ा सा अमाउंट इसका ले ले, दोनों को मिक्स कर दे, फिर अपनी एड़ियों में जो है इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले, मसाज कर ले, और सॉक्स जरूर पहने, नाइट ओवर नाइट ऐसे ही छोड़ दे। फिर आप देखिएगा आपको खुद ही जो है डिफरेंट नजर आएगा, और आपके जो जॉइंट एरिया होते हैं आपको पता होगा वो डार्क होते हैं, जैसे कि एल्बोज नीज के, तो आप विटामिन ई कैप्सूल और इस क्रीम दोनों को ही मिक्स करके उन पर अप्लाई करें कंटिन्यू कुछ दिन, तो आपको उसमें भी जो है डिफरेंस नजर आएगा, आपके जो है कलर टोन जो है ब्राइट होने लगेगा। तो इस क्रीम का थोड़ा सा अमाउंट ले ले, ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर ले, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो इसको इस तरीके से जो है मिक्स कर ले क्रीम और एलोवेरा जेल को, और तब जो है ऑयली स्किन वाले यूज करें, तो ये जो है आपकी स्किन को ऑयली नहीं दिखाएगा। और इस तरीके से ऑयली स्किन वाले भी जो है इस ब्लू वाली निविया क्रीम को यूज कर सकते हैं, इस तरीके से अगर अप्लाई करते हैं तो।
और ड्राई स्किन वाले जो है निविया क्रीम और थोड़ा सा अमाउंट ले ले ग्लिसरीन का, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दे और अप्लाई करे तो उनको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो मॉइस्चराइजर है एक बहुत ही अच्छा थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर है जो कि आप किसी भी वेदर में यूज कर सकते हो, पर बेस्ट है विंटर में, और विंटर में तो ऑयली स्किन वाले भी इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली भी आपको मैंने बता दिया है ऑयली स्किन वाले इसे इस तरीके से अप्लाई करते हैं जैसे मैंने बताया, तो इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो है मॉइस्चराइजर अगर आप यूज करते हो तो ये जो है ग्लोइंग फिनिश देता है, मैं इसे अप्लाई करके दिखला देती हूँ। तो ये जो मॉइस्चराइजर आप देख रहे होंगे इसको अगर अप्लाई करते हो तो ये जो है आपको ब्राइट फिनिश देता है, यानी आपकी फेयर सा लुक देता है इस तरीके से। मैंने इस पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, ज्यादा बार इस पे अप्लाई किया है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा दोनों में ही। बाकी ये था मेरा इस मॉइस्चराइजर को लेकर रिव्यू जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने ज्यादातर आपको इसके एक्स्ट्रा यूजेस बताए हैं, उसके अलावा इसके साथ आप और भी DIY कर सकते हो। अगर आपको DIY भी जानने हैं तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर लाइक करते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल के लिए ये वीडियो था आपके लिए जो कि आपको अगर पसंद आया है तो फटाफट से लाइक तो अभी बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। लव यू टू ऑल। जय श्री कृष्णा।